चिप्स बंदना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की चिप्स जो कि सालों तक रखे रहो मगर ख़राब नहीं होगी। इसके लिए इसमें चिप्स हमारी एकदम सफ़ेद रहे, उसमें सफ़ेद ही बना रही हूँ, कलर नहीं डाल रही हूँ। आपको कलर डालना है तो आप कलर भी यूज कर सकते हैं। एकदम सफ़ेद चिप्स रखने के लिए हमें आलू की चिप्स को कई बार धुलना है। ये देखिए, इतना धुलना है कि ये देखिए पानी बिल्कुल साफ दिखे, ये जो आलू से सफ़ेद सफ़ेद निकलता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये थोड़ा सा लच्छे भी मैंने बनाए हैं और इसको भी मैंने इतना अच्छे से धुल लिया है कि पानी बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसके लिए मैं पानी उबलने के लिए रख दूँगी। पानी देखिए मेरा उबल रहा है। अगर आप इसमें नमक डालना चाहते हैं तो आप इसी टाइम पे इसमें नमक डाल दीजिए। अगर आपको जैसे व्रत के लिए बनाना है तो बिना नमक के भी बना सकते हो, तो मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, बिना नमक के ही बना रही हूँ। अब मैं इसमें चिप्स डाल दूँगी अपनी। ये देखिए चिप्स हमारी हो गई है। इसे हमें देखने के लिए ये चिप्स का कलर बिल्कुल अलग हो जाता है। पानी उबल रहे उसमें डाल दो बस एक मिनट के लिए। ये हाथ से इस तरह से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चिप्स हमारी हो गई है। अब ये पक गई है, मैं इसे निकाल लूँगी इसमें। चिप्स निकालने के बाद वही पानी है उसमें ये उबल रहा है। मैं इसमें जो ये अपना लच्छा बना के रखी थी इसे मैं डाल दूँगी। ये लच्छा क्या होता है, आप इसे वैसे भी खा सकते हो, आप नमकीन बना रहे हो तो नमकीन में भी फ्राई करके डाल सकते हो। बस इसे भी मुझे ज़्यादा देर नहीं करना है, बस एक मिनट के लिए इसे मैं रख दूँगी। गैस की फ्लेम भी हमारी तेज है, पानी उबल ही रहा था। मैं इसे ढक दूँगी थोड़ा। देखिए इस तरह से हम इसे एक एक करके इस तरह से धूप में किसी कपड़े पे या साड़ी पे आप उस पर डाल सकते हो, तभी ये बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, तभी एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और एकदम अच्छे से निकल जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही डाल दो तो एक दूसरे में चिपक जाते हैं। ये देखिए, ये भी जो मैंने आलू लच्छा लिया है इसे भी मैं इस तरह से एक एक बिल्कुल अलग कर दूंगी, नहीं तो चिपक जाएंगे। और फिर इस तरह से बना के आप एक साल नहीं दो साल नहीं चाहे जितने दिन रखो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से आप बना के किसी डिब्बे में रख दीजिए। बस चिप्स हमारी बन के रेडी हो गई है। आप लोग भी बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताना कौन कौन इस तरह से बनाता है। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।